हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेटर में। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो है पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पे जो है ये हमारा पार्ट टू है। ओके, पार्ट वन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया गया है। प्लस अगर आप जो है पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं GOIT लेक्चर्स को लेकर, तो आपको जो है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे लेक्चर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, 40+ लेक्चर हैं वहाँ पे। ओके, प्लस अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ना चाहते हैं और डीप वे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ओके, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, दैट इज़ फॉर ओनली 499। ओके, 499 रुपीज़ में जो है आपको पेड कोर्स मिल जाता है, जिसमें 2 जो है डेली के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं विद PDF विद प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ। ओके, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अगर आप जो है टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हो। HP GOIT की अभी चल रही है परीक्षा ऐप पे, तो आप जो है यहाँ पे ये वाला कूपन कोड यूज़ करके 50% डिस्काउंट ले सकते हो। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट जरूर लें। फेसबुक के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हो। प्लस टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़िएगा गाइस, क्योंकि वहाँ पे आपको PDF वगैरह जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहती हैं उसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाती है। प्लस जो भी लेक्चर अभी तक हो चुके हैं उसकी सारी की सारी PDF जो है आपको कुछ ही दिनों में वहाँ पे मिल जाएगी गाइस। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, द लेटर एंड नंबर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रोज। तो लेटर्स और कॉलम्स जो है आपको यहाँ पे, लेटर्स और नंबर जो आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, जो आपका स्प्रेडशीट होता है। ठीक है, स्प्रेडशीट में यहाँ पे छोटे छोटे जो है सेल बने होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली साइड जो होता है ये आपका कॉलम होता है, जहाँ पे ABC करके अल्फाबेट होते हैं। फिर रो में जो है आपका नंबरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया है कि इंटरसेक्ट यहाँ पे करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल एड्रेस। तो लेटर एंड द नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज कॉल्ड योर सेल एड्रेस। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। ऐसे सेट ऑफ रूल जो कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो हम करते हैं गाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डेटा देन DVD। तो DVD से ज़्यादा जो है डेटा यहाँ पे कौन स्टोर करता है गाइस, तो आपकी जो है ब्लू रे डिस्क जो है DVD से भी ज़्यादा जो है यहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकती है। याद रखना, CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क और रेड रे डिस्क जो है ये DVD से कम डेटा को स्टोर कर सकती है। ओके, DVD के ज़्यादा जो है यहाँ पे ब्लू रे डिस्क, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर मोनिटर इज ऑल्सो नोन एज। तो कंप्यूटर मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, VDU, दैट इज योर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, VDU जो है कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम होता है, ये भी आपको याद रखना है। विच वन ऑफ दीज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। रीड राइट मेमोरी गाइज इसमें से किसे बोला जाता है, तो आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, उसे हम रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं गाइज। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इंटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो ऐसा प्रोसेस जो कि जिससे हम अपनी हार्ड डिस्क या फिर डिस्क को जो है ट्रैक्स और सेक्टर्स में बदल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना, जिससे हम ट्रैक्स और सेक्टर्स में उसे बदल सकते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। देखिए, पर्सनल कंप्यूटर की जब बात होगी तो आपका आंसर होगा एडवर्ड रॉबर्ट। ओके, अगर मॉडर्न कंप्यूटर की बात की जाएगी तो आपका आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। अगर फादर ऑफ कंप्यूटर की बात की जाएगी तब होगा आपका चार्ल्स बैबेज। ओके, द CPU कंटेन्स। अब एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है गाइस, तो उसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कंट्रोल यूनिट ALU मिलेगा आपको, प्लस आपको मेमोरी यूनिट वहां पे देखने को मिलती है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर और का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बीच में जो इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, आपका यूजर इंटरफेस, दैट इज योर यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, और जो आपको फैसिलिटेट करवाता है इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो ये इसका राइट आंसर गाइज हो जाएगा आपका नेटवर्क। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की बात की जा रही है, तब आपका आंसर यहाँ पे नेटवर्क हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ हार्डवेयर ही होता तो आपका पेरिफेरल डिवाइसेस भी हो सकते थे गाइज। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, तो ऐसी कोडेड एंट्रीज जिससे हम जो है किसी कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं, तो क्या यूज होता है उनमें से गाइज? तो आप जो है वहाँ पे यूज़ करते हो पासवर्ड्स। ठीक है, तो ये कोडेड एंट्रीज होती हैं जिनको एक्सेस करके हम कंप्यूटर को चला सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से आपको जो है ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोलती है मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड इज माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, थर्ड वन इज स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर इज द सेम, और चौथी जो है द स्पीड ऑफ बोथ दीज कंप्यूटर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि मिनी कंप्यूटर की स्पीड जो है माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। What type of resource is most likely to be shared common resource in a computer networks? तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो है मोस्ट कॉमन वे में जो है सबसे ज़्यादा कौन सी टाइप की रिसोर्स यूज़ होती है गाइज? तो वो होती है आपकी प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एज ए मोस्ट कॉमन रिसोर्स के तौर पर। What is the light pen? तो light pen कैसी चीज़ है गाइज, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है। light pen जो है जिसमें लाइट होगी गाइज, तो आपका ऑप्टिकल जो है यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनिवैक इज ए, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बतानी है यूनिवैक क्या है। यूनिवैक जो है एक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कब ये बना था। ओके, तो आपने यहाँ पे उसका ईयर लिखना है गाइस। ओके, VGA इज ए, VGA की फुल फॉर्म बताइए, VGA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ओके, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे यहाँ पे इसकी ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। IBM 1401 इज ए, तो IBM 1401 जो है कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था? तो ये था आपकी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फर्स्ट जनरेशन के जो IBM के कंप्यूटर थे, कोई भी दो या तीन कंप्यूटर के नाम जो है आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, MSI स्टैंड फॉर, तो MSI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आप मुझे बताओगे कि मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे कौन सी जनरेशन में यूज होते थे गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, तो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? तो याद रखना उसकी टोटल कैपेसिटी होती है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर 1.44 MB। याद रखना यहाँ पे मेगाबाइट है MB, तो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क कंटेन्स 1.44 MB ऑफ स्टोरेज। लास्ट क्वेश्चन इज MICR स्टैंड्स फॉर, तो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ओके, और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? आपके जो बैंक में चेक्स वगैरह होते हैं उसमें इस जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसमें आयरन ऑक्साइड नाम की जो है गाइस वहाँ पे एक इंक यूज़ होती है। तो स्पेशली उसके यूज़ के लिए जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का यूज़ वहाँ पे हम करते हैं। ओके, सो दिस वॉज द टूडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें वीडियो को जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, प्लस सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए।